हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ट्राइंगल्स ऑफ नेक के बारे में सो so, ब्रॉडली हमने ट्राइंगल्स ऑफ नेक को डिवाइड किया है एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक सो अब मैं आपको समझाऊंगा एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक विद द हेल्प ऑफ लाइव एक्जाम्पल और बताऊंगा हमारी बॉडी में एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक की लोकेशन क्या होती है और पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक की लोकेशन क्या होती है और उनकी बाउंड्रीज सो आई जैन विल हेल्प टू रिमेंबर द ट्राइंगल्स ऑफ नेक आई से हेलो हेलो हमने क्या किया है हमने लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल को ड्रॉ किया है सो दिस इज लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल दिस इज स्टर्नम तो देखिए यहाँ पे होता है हमारा जुगलर नॉच एंड दिस इज स्टर्नम बोन और स्टर्नम बोन से कनेक्टेड रहती है हमारी क्लैविकल और ये हमारा ईयर्स के पीछे होता है मेस्टॉइड प्रोसेस सो दिस इज मेस्टॉइड प्रोसेस और ये जो आप लाइन देख रहे हैं दिस इज लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड द मेस्ट्राइड प्रोसेस तो अब हमें पढ़ना है हैं ट्राइंगल्स ऑफ नेक तो ट्राइंगल्स ऑफ नेक पढ़ने के लिए हम नेक को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे सो दिस इज इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द चिन एंड द जुगलर नॉश तो अब हमारी नेक टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गई है हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स ऑफ नेक इन द राइट हाफ ऑफ द नेक अब आप ये जो ब्राउन कलर से देख रहे हैं दिस इज स्टर्नो क्लीडो मेस्ट्राइड मसल देखिए नाम खुद बता रहे स्टर्नो मतलब स्टर्नम से कनेक्टेड है क्लीडो मतलब क्लैविकल से कनेक्टेड है एंड मेस्ट्रॉइड मतलब मेस्ट्रॉइड प्रोसेस से कनेक्टेड है तो स्टर्नो क्लीडो मेस्ट्रॉइड मसल के जो आपको है अटैचमेंट क्लियर हो गए हैं अब आप देखेंगे ये एक हमारा ट्राइंगल बन गया दिस इज़ वन ट्राइंगल सो ये है हमारा एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक तो ये वाला जो है दिस इज़ एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक अब पीछे यहाँ पे आती है हमारी ट्रेपेजियस मसल यहाँ पे आएगी हमारी ट्रेपेजियस मसल तो एक तो हमारा एंटीरियर ट्राइंगल बन चुका है और एक हमारा ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं दिस इज़ पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक तो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक की बाउंड्रीज कौन बना रहा है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉयड ट्रेपेजियस एंड क्लेविकल एंड एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक की बाउंड्रीज कौन बना रहा है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइयड मैंडिबल एंड इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द चिन एंड द स्टर्नम सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक थैंक यू आही वेलकम अब हम देखेंगे एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक और पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक की बाउंड्रीज विद द हेल्प ऑफ थ्योरी एंड डायग्राम सो हमारा जो एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक है उसकी एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाता है मिड लाइन ऑफ नेक तो आप इस डायग्राम को देखें दिस इज मैंबल दिस इज मैस्टोइड प्रोसेस दिस इज स्टर्नम एंड दिस इज क्लेविकल तो ये जो हमारा है मिड लाइन ऑफ नेक ये है हमारा एंटीरियर ट्राइंगल यहां से लेके यहां तक यह है हमारा एंटीरियर ट्राइंगल और इसकी जो एंटीरियर बाउंड्री है वो कौन बना रहा है मिड लाइन ऑफ नेक दिस इज मिड लाइन ऑफ नेक देन पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ एंटीरियर ट्राइंगल कौन बना रहा है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉयड सो ये है हमारी स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड मसल सो स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड का एंटीरियर बॉर्डर हमारा क्या बना रहा है पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक नेक्स्ट है हमारा सुपीरियर सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है मतलब बेस ऑफ ट्राइंगल कौन बना रहा है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल तो ये है हमारा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल क्या बना रहा है इसकी सुपीरियर बाउंड्री बना रहा है एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक की और ये क्या है इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द मैंडिबल एंगल ऑफ मैंडिबल एंड द मेस्टॉइड प्रोसेस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाउंड्रीज ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक की जो एंटीरियर बाउंड्री है वो कौन बनाता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ सो अब हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे ये जो है ये वाला ट्राइंगल दिस इज पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक सो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक की एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहे स्टर्नोक्डोम एस्ट्रोइ का पोस्टीरियर बॉर्डर नेक्स्ट है पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक सो पोस्टीर बाउंड्री ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक इज फॉर्म बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस। सो ये है हमारी ट्रेपेजियस मसल और ये है इसका एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस मसल और लास्ट है इंफीरियर बाउंड्री ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक कौन बनाता है मिडल वन थर्ड ऑफ क्लैविकल सो दिस इज क्लैविकल मिडल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल क्या बनाता है हमारा इंफीरियर बाउंड्री ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक अब हम पढ़ेंगे एंटीरियर ट्राइंगल के सब डिविजन्स सो एंटीरियर ट्राइंगल इज सब डिवाइडेड इंटू डायगेस्ट्रिक और सब मैंडिबुलर ट्राइंगल सब मेंटल ट्राइंगल कैरोटिड ट्राइंगल और मस्कुलर ट्राइंगल सो इन सब ट्राइंगल्स की बाउंड्रीज और लोकेशन अब हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे सो so, ये डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपको इसको समझना है तो देखिए दिस इज मैंडिबल दिस इज मेस्ट्रॉइड प्रोसेस दिस इज टर्नम यह है यहाँ पे जुगलर नॉच एंड दिस इज क्लैविकल अब यह है हमारी स्टर्नो क्लीडोमेस्ट्रॉयड मसल सो स्टर्नो क्लीडोमेस्ट्रॉइड स्टर्नम से कनेक्टेड है क्लैविकल से कनेक्टेड है और हमारी मेस्ट्रॉइड प्रोसेस से कनेक्टेड है ये है हमारा राइट हाफ ऑफ द नेक दिस इज लेफ्ट हाफ ऑफ द नेक यह है हमारी एंटीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक एंड दिस इज पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक हमारी मैंडिबल और हाओइड बोन से कनेक्टेड है और पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगेस्टिक हमारी हाईड बोन और मेस्ट्रॉइड प्रोसेस से कनेक्टेड है यह है हमारा सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोड यह हमारी इंफ्राहड मसल है सो so सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड और यह है मिड लाइन ऑफ नेक जॉइनिंग द चेन एंड जुगलर नॉच और यह है हमारा एंटीरियर ट्राइंगल तो ये दो बेलीज ऑफ डाइगेस्ट्रिक बिटवीन द टू बेलीज ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड मैंडिबल ये है जो ऑरेंज से ट्राइंगल बनाए दिस इज डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल सो दिस ट्राइंगल इज डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल तो आप इसकी बाउंड्रीज आसानी से लिख सकते हैं अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये वाला ट्राइंगल है सब मैंडल ट्राइंगल जो हमारा एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक और हमारी हाइड बोन के बीच में बना है और यहाँ पे भी है एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक नेक्स्ट जो है हमारा हम डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल को डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल को हम सब मैंडिबुलर ट्राइंगल भी बोलते हैं बिकॉज ये मैंडिबल के नीचे है सब मैंडलर ट्राइंगल कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट इज कैरोड ट्राइंगल सो ये जो पिंक से है दिस इज कैरोटिड ट्राइंगल आप इसकी बाउंड्रीज आराम से लिख सकते हैं ओमोहायोड इसकी बाउंड्री बनाएगा हमारा स्टंडोक लीडोमेस्टोइड मसल इसकी बाउंड्री बनाएगी और पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक इसकी बाउंड्री बनाएगी लास्ट ट्राइंगल इज मस्कुलर ट्राइंगल ये वाला जो ब्लू से लोकेटेड है दिस इज मस्कुलर ट्राइंगल सो मस्कुलर ट्राइंगल की बाउंड्रीज कौन बनाएगा हाईड बोन ओमोहाइड मसल एंड स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल सो हम चारों ट्राइंगल कंप्लीट कर चुके हैं दैट इज डायगेस्ट्रिक और सब मैंडिबुलर ट्राइंगल सब मेंटल ट्राइंगल कैरोटिड ट्राइंगल एंड मस्कुलर ट्राइंगल अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर ट्राइंगल के सब डिविजन सो पोस्टीरियर ट्राइंगल इज सब डिवाइडेड इन टू ऑक्सीपिटल ट्राइंगल एंड सबक्वियन ट्राइंगल सो इस डायग्राम से हम देखेंगे जैसे हमारे स्टर्नोक्लिडोमेस्ट्रोइ मसल हाफ ऑफ द नेक को डिवाइड करती है एंटीरियर ट्राइंगल एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल वैसे ही हमारी इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहाइड दिस इज इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहाइड तो इन्फीरियर वैली ऑफ ओमोहाइड हमारे पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक को डिवाइड कर देती है ऑक्सीपिटल ट्राइंगल एंड सब क्लेवियन ट्राइंगल तो आप ऑक्सीपिटल ट्राइंगल की बाउंड्रीज भी लिख सकते हैं एंड सब क्लेवियन ट्राइंगल की बाउंड्रीज भी लिख सकते हैं अगर आपको एग्जाम में कोई भी ट्राइंगल आता है सपोज ऑक्सीपिटल ट्राइंगल आता है सब क्लेवियन ट्राइंगल आता है तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ इसको इतना भी बना सकते हैं ऐसे ही अगर हमारा आपके एग्जाम में डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल या फिर सबमेंटल ट्राइंगल कैरोटिक ट्राइंगल मस्कुलर ट्राइंगल में से कुछ भी पूछा है तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं और इस डायग्राम को अगर आपके पास टाइम कम है तो इजीली बना सकते हैं मैंडिबल का सिर्फ नीचे वाला पोर्शन बना दीजिए हाईड बोन को सिंपल एक बॉक्स की फॉर्म में बना दीजिए स्टर्नम को पूरी बनाने की जरूरत नहीं है सिर्फ स्टर्नम का अपर पोर्शन बना दीजिए क्लेविकल दिखा दीजिए एंड स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल दिखा दीजिए तो आपका ये डायग्राम बहुत ही ईजी हो जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक एंड देर फर्दर सब डिविजन्स दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं थैंक यू